नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं शिव कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में आधार कार्ड से पैसे कैसे निकालना सीखें। ठीक है दोस्तों, आपको आधार कार्ड से पैसे निकालने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए प्लस एक आईडी चाहिए। आपके पास स्वाइस मनी हो या मोबी सफर NFI पीएनईआर बाई पैसा निकाल ऐप हो या पेवर्ल्ड कोई भी ऐप हो, आपको एक मशीन ये लेना पड़ेगा। कैसे निकालना है दोस्तों आ जाते हैं सीधे। मैं इसमें से एक ये पैसा निकाले अब डाउनलोड कर ले रहा हूँ। दोस्तों आपके पास कोई भी आईडी हो, आपको बस पैसे निकालने से मतलब है। आधार कार्ड से कैसे निकालना मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप कोई भी आईडी ले सकते हैं, पैसा ही निकाल नहीं, पैसा निकालिए फ्री है, कोई भी चला सकता है, दिक्कत नहीं है। प्लस आधार कार्ड के लिए जो आपको डिवाइस से एक्सेप्ट करना है इसमें, वो कौन सी डिवाइस है मैं आपको, अगर आपके पास मंत्रा है तो आप यहाँ पे मंत्रा लिख देंगे। देखिए मंत्रा डिवाइस मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको दोस्तों ये दोनों इंस्टॉल कर लेना है। जब ये इंस्टॉल कर लेंगे तभी आपका आधार कार्ड से पैसे निकल पाएगा। ठीक है, कैसे मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में पूरा ही। देखिए दोस्तों ये डाउनलोड हो गया, इसे अब ओपन हम कर लेते हैं। आप ही अपनी आईडी बना लेंगे या बनवा लेंगे किसी से। ये आईडी बनाने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, आप वीडियो मेरे आईडी में देख सकते हैं, इसके भी जौनपुर के सर्च करके। दोस्तों इसे हम ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप कोई भी आईडी लेंगे, यहाँ पे आपको AEPS करके लिखा रहता है, आप इससे भी आधार कार्ड से निकाल सकते हैं। इससे भी जहाँ AEPS लिखा रहता है वहाँ से आधार कार्ड से आप पैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये मैं एक ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। देखिए ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे या किसी का भी डाल देंगे जो कस्टमर आपके पास पैसे निकालने आता है। मोबाइल नंबर हो गया दोस्तों। अभी आप यहाँ पे अपना बैंक चुन लेंगे जो कस्टमर का बैंक होगा, उसके बाद आधार नंबर, यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। मैं विड्रॉल करने के लिए बता दे रहा हूँ आपका। अब यहाँ पे बैंक लेगा, कौन सा बैंक है मैं यहाँ पे कोई भी बैंक अकाउंट नंबर डाल दे रहा हूँ, अकाउंट डाल दे रहा हूँ ना, बैंक ऑफ बड़ौदा डाल दे रहा हूँ। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड नंबर हो गया। अब यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, 100 से लेके 10,000 तक आप कोई भी डाल सकते हैं इसमें से अमाउंट। 500 डाल दे रहा हूँ या 100 डाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद डन कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर आप सीट पे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। आप पास कौन सा डिवाइस है यहाँ पे आप चॉइस कर सकते हैं। मंत्रा मर्फो टेटविक स्टेटिक, अगर मंत्रा हो तो मंत्रा पी रहने दें। उसके बाद स्कैन फिंगर पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपके पास डिवाइस है तो आप इसको इंस्टॉल करना ना भूलें, यह इंस्टॉल ज़रूरी करना पड़ता है। उसके बाद आपका बैलेंस तुरंत दिखा देता है स्कैन करने पे। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।